गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस सबाना आज क्लास 5 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 11 बकरी दो गांव खा गई ये कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कहानी में एक बादशाह है जो जिसका नाम है अकबर, जिसे आप लोग भी जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर जो है एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उसे वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत अधिक ख्याल रखते थे और उसे हाजिर जवाब लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे जो तुरंत जवाब दे दे। उनके राजमहल में, उनके दरबार में बहुत ऐसे ज्ञानी पुरुष रहते थे। और इस कहानी में बादशाह जो है, बादशाह मतलब राजा अकबर जो है वो एक किसान से महत्वपूर्ण सीख से वो खुश होकर के उसे एक बहुत बड़ा इनाम देता है जो इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। हाय बकरी दो गाँव खा गई, ये कहता हुआ एक आदमी जो है वह सड़कों पर, आगरा के सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। वो बोल रहा था हाय बकरी दो गांव खा गए, ये बोल बोल के वो चिल्लाता हुआ वो घूम रहा था। लोग आश्चर्य थे, लोग जब ये बात सुन रहे थे तो लोग हैरान हो गए कि भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर जो है बादशाह अकबर तक जब पूरा आगरा में फैल गया तो ये बात जो है राजा अकबर के पास पहुंच गया, मतलब बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बादशाह ने उस आदमी को अपने दरबार में बुलाया और उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचाना। जैसे ही वो आदमी वहां पर आया तो वो उस आदमी को देखते ही राजा बादशाह अकबर उसे क्या क्या पहचान गया। बादशाह को याद आया था, उसको बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गाँव में गए थे। वे बहुत थक गए थे तो यह आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के खेत में मिला था। तो जब वो किसी गांव में गए थे तो वहाँ वो आदमी उसको गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था भाई थोड़ा वो जब बादशाह थक गए थे तो उसने कहा था थोड़ा भाई मुझे गन्ने का रस मिलेगा पीने के लिए, उसे प्यास लगी थी। तो वो आदमी उसको बोला हाँ हाँ बैठिए मैं आपके लिए गन्ने का रस लाता हूँ। अकबर एक पेड़ की छाया में ही बैठ गया। वह किसान जो है वो खेत में गया और एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े से लोटे में वो रस, गन्ना का रस निकाल करके ला करके वह राजा बादशाह को दिया। अकबर ने गन्ने का रस पिया और बहुत खुश हुआ। जब वो बादशाह अकबर जब वो गन्ने का रस पिया तो वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो मैंने आज से पहले कभी नहीं पिया। तो बोला हाँ, तो वो आदमी बोलता है, किसान जो था वो बोलता है जी हाँ यह सिर्फ एक गन्ने का रस है। तो वो आदमी बोलता है यह सिर्फ एक गन्ने का, मैंने जो आपको रस दिया एक लोटा वो सिर्फ एक गन्ने का रस है। तब बादशाह पूछता क्या ये एक गन्ने का रस है, वो भी इतना सारा, इतना रस निकला एक गन्ने में। तो अकबर बादशाह उसको बोला, तो बोला तो आप किसान बोलता हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कमाल की। वो किसान जो है वो उसे पहचान नहीं पाया था। बोला हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कमाल की बात यह है हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। नीयत का मतलब होता है स्वभाव, मतलब जिस इंसान का दिल साफ रहता है तो उसके लिए वो चीज बढ़ता है, बरकत होता है। बरकत का मतलब होता है बढ़ना, लाभ होना, फायदा होना। तो वो आदमी बोलता है ये हमारे बादशाह के नीयत का कमाल है, अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में से क्या होगा, गन्ने में रस ही ना निकले। बोला अगर मेरे बादशाह का नीयत अच्छा नहीं होगा तो गन्ना से रस ही नहीं निकलेगा। तो तभी बादशाह से पूछते अच्छा तुम इसका कितना लगान देते हो। लगान का मतलब होता है कर, टैक्स। हम लोग जो हर चीज के लिए टैक्स देते हैं ना, उसी तरह से राजा के समय में टैक्स दिया जाता था, उसको बोलते थे लगान। तो आदमी बोलता है जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देना पड़ता है। तो आदमी बोलता है कि हम सिर्फ 25 पैसे ही हम लोग लगान देते हैं, मतलब कर देते हैं यानी टैक्स देते हैं। सिर्फ, तो बादशाह सुनता है सिर्फ 25 पैसे। बादशाह ने उसको हैरान होकर पूछा, फिर वे सोचने लगे कि एक ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपया लगान होना चाहिए। तो राजा जो है वो सोचने लगा, मन में ही सोचने लगा कि इतना जो रस निकल रहा है ऐसा, मतलब इस तरह का खेत पर तो ज्यादा लगान होना चाहिए। तो बोला ठीक है आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। तो वो ये सोचा था, वो मन में ही सोचा कि ठीक है अभी तो मैं गांव में हूँ, जब मैं आगरा पहुंचूंगा तो वहां मैं जा करके इसका लगान मैं क्या करूंगा, टैक्स जो है इसका क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। कुछ
कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर उसे कहता है, अच्छा भाई चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। बोला ठीक है, मैं यहाँ से जाने से पहले एक लोटा रस और पिला दो। तो किसान लोटा लेकर वो चला जाता है फिर रस निकालने के लिए। उसने एक गन्ना तोड़ा, फिर उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। जब वो तोड़ा तो इस बार लोटा नहीं भरा। तभी किसान मुंह लटकाए हुए फिर एक के बाद एक तीन चार गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला। फिर वो क्या किया, जब लोटा पूरा नहीं भरा तब उसने फिर दूसरा गन्ना तोड़ा, फिर तीसरा गन्ना तोड़ा, इस तरह से फिर वो किया, तब फिर भी लोटा नहीं भरा। तीन चार गन्ना होने के बाद भी, तोड़ने के बाद जब उसका रस निकाला तो फिर भी लोटा जो है वो नहीं भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहा है, अब उसको लेट हो रहा था, अकबर इंतजार कर रहा है कि अभी तक वो आया नहीं है। वो सोच रहा है कि इस बार तो इसने काफ़ी देर कर दी, बोले पहले तो मांगे तो तुरंत ला के दे दिया, लेकिन इस बार तो वो काफ़ी देर हो गया है। तभी किसान जो है वो मुँह लटकाए हुए आता है और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा देता है। वो तब लोटा जब लेके आता है तो वो भरा बने रहता है, तो वो आता है मुँह लटकाए हुए आता है, उदास रहता है, और वो ला करके क्या करता है, बादशाह के सामने लोटा बढ़ा देता है। तो लोटे में थोड़ा ही रस था, लोटा में कम रस था, पिछले बार जो पूरा भर गया था उसमें भरा नहीं था, कम था। तो बोलता है, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? तो बादशाह उसको पूछता है कि आखिर तुम इतना कम रस लेकर के क्यों आए हो? बोला कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। तो वो आदमी बोलता है, किसान बोलता है कि लगता है हमारे बादशाह का नीयत, मतलब उनका उनके दिल में क्या आ गया है, बुरा बर्ताव आ गया है, वो सोच रहे हम वो कुछ और बुरा सोच रहे हैं, इसलिए उनका नीयत का कमाल है, वो सिर्फ क्या हो रहा है, इसलिए उसी का असर है, इसलिए ये रस जो है वो लोटा पूरा भरा नहीं। अकबर को लगा कि जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया, क्योंकि वो आदमी तो जान नहीं रहा है कि वो बादशाह है। तो अकबर जब उसकी बात को सुनता है तो उसको सुनकर ऐसा लगता है कि मानो उसको कोई आसमान से क्या किया है, जमीन पर ला करके पटक दिया है। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? तब वो राजा अकबर बादशाह जो है वो बोलता है क्या कि तो क्या आदमी की नीयत में अगर नीयत में अगर फर्क आने पर, अगर नीयत उसका खराब हो जाए तो इसके आने पर क्या पेड़ पौधों पर भी इसका असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे यह वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। तो वो जब पूछता है तो वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसान जो है वो तो किसान था ना, मामूली था, ये कहाँ राजा था बादशाह अकबर। तो उसको ऐसा लग रहा था एक मामूली सा इंसान जो है वो मुझे क्या कर रहा है, इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है, सीख दे रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, बोला जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ पर बरकत होती है, मतलब लाभ होता है, फायदा होता है, भंडार भरा रहता है, सब चीज़ भरा भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता। बोलता है लालच और छोटापन, जिसके जो छोटा जिसकी सोच छोटी होती है वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जब ये किसान उसको ये सब बातें बोल रहा था तो बादशाह बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? किसान मतलब वो शक की निगाह से वो क्या करता है, उसको शक होता है, संदेह होता है, और वो बादशाह की तरफ देखता है, बोलता है मैं बादशाह अकबर हूँ। तो वो बोलता है मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान घबरा जाता है, घबरा कर पूछता है मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? तो बोलता है क्या, तो वो किसान जो है तो वो बादशाह को सामने उसको पता चल जाता है कि बादशाह अकबर बैठा हुआ मेरे सामने है और उसके सामने मैं ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। तो फिर भी किसान उसको बोलता है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। तब वो अकबर बोलता है उसको, बादशाह अकबर बोलते हैं कि तुमने मुझे वो सीख दिया है जो बड़े बड़े विद्वान और गुरु भी मुझे नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान जो है वह बिल्कुल माफ कर देता हूँ। आज से तुम्हारे मतलब तुम जो लगान देते हो ना 25 पैसे, अब वो भी तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे। जाओ इस बार लोटा भर कर रस लेकर के आओ। फिर दोबारा से उसको बोलता है, जाओ अब तुम्हारा लगान जो हम बिल्कुल ही माफ कर देते हैं, अब तुमको एक पैसा भी लगान नहीं देना पड़ेगा, अब जाओ इस बार अब तुम लोटा भर करके रस लाओ। किसान फिर खेत में गया, फिर इस बार फिर एक ही गन्ने से क्या हुआ, जब वो गन्ना मतलब वो निकाला रस, तो एक ही गन्ना से उसका लोटा जो है वो क्या हो गया, पूरा भर गया। वह खुश होकर के दौड़ा दौड़ा आया, वह खुश हो गया और दौड़ के आया और उसने राजा के सामने मतलब बादशाह के सामने
लोटा बढ़ाया और बादशाह ने क्या किया, रस पिया। फिर उसने बादशाह ने क्या किया, पीपल का एक पत्ता उठाया, उठाकर उसने क्या किया, उसमें हम पत्ता उठाकर उसको बोला कि हम इस पर तुम्हें दो गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं, बोलता मैं तुम्हें इस पर दो गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं कि तुम्हारा आज से तुम्हें मैं दो गांव क्या करता हूँ, इनाम के रूप में तुम्हें देता हूँ, कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। बोला अभी अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, अभी एक पीपल का पत्ता था उस पर मैं तुम्हें दो गांव लिख करके दे रहा हूँ, कल तुम जब आगरा आओगे तो वहां आकर के तुम पक्का कागज बनवा लेना, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो खाने पीने का जो इंतजाम है वो तुम्हारा इन मतलब दो गांव से तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया, अब वो जो पीपल का पत्ता जो दिया तो वो किसान अपने पास रख लिया, अकबर वहां से चले गए, किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया, किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई, और वो पत्ता जो वहाँ पर था किसान जो है वो भूल गया कि उस पत्ते पर हमको जो राजा बादशाह अकबर जो है वो मुझे दो गांव लिख करके दिया है, वो इस बात को भूल गया और किसान की बकरी वहाँ पर आई और उस पत्ते को क्या किया, खा गया। तो उस पत्ता पर क्या लिखा हुआ था, दो गांव देने का उसका हुक्म लिखा हुआ था, इसलिए बोल रहा था। तो जब किसान को उस पत्ते की याद, जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर है ही नहीं, जहाँ पर वो रखा था, जब उसे पत्ता याद आया तब वो जब देखता है तो वहाँ पर पत्ता है ही नहीं, वह रोने चिल्लाने लगा क्योंकि उसका दो गांव तो चला गया, रोने चिल्लाने अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे, तब ये सोचने लगा कि अब मैं जाऊँगा तो बादशाह मुझे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो पत्ता ही एक सबूत था मेरे पास, उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे, मतलब जब तक वो पत्ता मैं दिखाऊंगा नहीं वो पहचानेंगे नहीं, वो मुझे पहचानेंगे नहीं तो फिर वो मुझे गांव देंगे कैसे। वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंच गया, वो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते आगरा पहुंच गया, और वहां जाके वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, जो पहले में पढ़े ना वो चिल्ला चिल्ला के एक आदमी चिल्ला, तो वो किसान ही चिल्ला रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हाय हाय बकरी दो गांव खा गई, हाय हाय बकरी दो गांव खा गई। बकरी द्वारा दो गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह क्या करते हैं, किसान के भोलेपन पर बहुत हंसने लगते हैं, वो उनका भोलापन पे हंसने लगता है, उन्होंने फिर से उसे दो गांव देने का हुक्म लिख दिया, और फिर वो क्या करता है उस पे क्या है, वो दो गांव उसको दोबारा से फिर वो पत्ते पे लिख के दिया था ना, इस बार उसको अच्छे से दो गांव लिख करके दे देता है, और जाते जाते और जब वो उसको दे देता है फिर वो जब किसान जब जाने लगता है तो राजा मतलब बादशाह अकबर उसको बोलता है, जाते जाते उसको सावधान कर देता है, बोलता है क्या, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना, बोला अभी बार जो जा रहे हो पिछले बार तो बकरी खा गई थी, लेकिन इस बार जो जा रहे हो तो इस बार अपने इस दो गांव को क्या करोगे, बकरी से बचाना। सारा दरबार जो है वो क्या करने लगा, हंसी से गूंज उठा। तो ये कहानी जो हम लोग को बताती है कि हम लोग को अपना दिल कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, नीयत हमें कैसी रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए, दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा, अच्छा होगा। आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग सबको कॉपी पे लिखिएगा, नेक्स्ट लेसन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।